हेलो एवरीवन वेलकम सेशन ट्वेंटी नाइन स्टार्ट करते हैं ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स द फ्रेंच ड्रिल मास्टर ड्रिल मास्टर इज़ एन इंस्ट्रक्टर इन मिलिट्री ड्रिल मिलिट्री में ड्रिल कराने वाले इंस्ट्रक्टर को कहते हैं ड्रिल मास्टर पहला वर्ड था हमारा मार्टिनेट ओके okay. फ्रेंच आर्मी में एक इंस्पेक्टर जनरल थे नाम था जीन मार्टिनेट ही वॉज ऑल्सो द ड्रिल मास्टर इनह्यूमन लेवल की डिसिप्लिन इन्फोर्स करते थे अपने सोल्जर्स पर और उन्हीं की वजह से फ्रेंच आर्मी जानी जाने लगी अपने डिसिप्लिन के लिए उनके ही नाम पर वर्ड बना है मार्टिनेट मार्टिनेट इज समन हु डिमांड्स दैट रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑलवेज बी ओबेड इवन वेन इट इज़ अननेसेसरी और अनरीजनेबल To do so. Okay, Jean Martinet was the Inspector General of Infantry. Infantry वो soldiers होगें जो कि जमीन पर लड़ते हैं. Okay, Infantry soldiers trained, armed and equipped to fight on foot. इसके साथ-साथ army साथ की उस branch को भी हम Infantry कहेंगे, which is composed of these soldiers. ठीक है, उन soldiers को भी Infantry कहेंगे और army की वो branch जो कि इन soldiers की होती है उसको भी इन्फेंट्री कह सकते हैं ही वॉज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इन्फेंट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग लुइस फोर्टीन एंड अ स्ट्रिक्टर मोर फैनेटिक ड्रिल मास्टर फ्रांस हैड नेवर सीन ठीक है रेन का मतलब होता है इट्स अ वर्फ एज अ वर्फ इसकी मीनिंग हो गई शासन करना या फिर रूल करना ठीक है एज अ नाउन इसकी डेफिनेशन हो गई शासन काल या फिर पीरियड ऑफ रूल ओके फैनेटिक फैनीटिक का मतलब है वैसे तो फैनेटिक का मतलब एज एन एडजेक्टिव होता है इंथूजियास्टिक लेकिन यहाँ पर उनके अंदर बहुत एक्स्ट्रीम लेवल का इंथूजियाजम था डिसिप्लिन इन्फोर्स करने का तो यहाँ पर इस कंटेक्सट में फैनेटिक का मतलब है कट्टर इट वॉज फ्राम दिस टाइम दैट द फ्रेंच आर्मीज इज़ रेपूटेशन फॉर डिसिप्लिन डेटेड एंड इट इज़ फ्राम द नेम ऑफ दिस फ्रेंच मैन दैट वी डिराइव आवर इंग्लिश वर्ड मार्टिनेट इस समय से फ्रांस की आर्मी जानी जाने लगी अपने डिसिप्लिन के लिए और इनकी वजह से हमारे पास इंग्लिश में और इनकी वजह से हमने वर्ड डिराइव किया मार्टिनेट द वर्ड इज़ ऑलवेज यूज इन डेरोगेट्री सेंस डेरोगेट्री मीन्स इंसल्टिंग यहाँ पर ओ आर वाई एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है डेरोगेटरी इज एन एजेक्टिव मीन्स इंसल्टिंग एंड जनरली शोज रीसेंटमेंट एंड एंगर ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर ठीक है द सेक्रेटरी हु कॉल्स हिज बॉस अ मार्टिनेट द वाइफ हु अप्लाइज द एपिटेट टू हर हजबेंड द वर्कर हु दस रिफर्स टू द फोर मैन दीज स्पीकर All show their contempt matlab, apman, diraskar, for the excessive inhuman discipline to which they are asked to submit. Since Martinet comes from a man's name, there are no related forms built on the same root. There is an adjective Martinetish and another noun for Martinetism, but these are used only rarely. Okay? Is, uh, root per हमारे पास कोई और वर्ड्स नहीं है बस एक एडजेक्टिव है मार्टिनेटिश ठीक है एज एन एडजेक्टिव आप इस क्वालिटी का मतलब इन ही लेवल की डिसिप्लिन का होना किसी आदमी में बताना है तो एज एन एडजेक्टिव आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर एक और नाउन फॉर्म है मार्टीनेटिज़म लेकिन मार्टिनेटिज़्म ना यूज़ करके जो यूज़ होने वाला कॉमन यूज़ होने वाला वर्ड है वो है मार्टिनेट मार्टिनेट इज़ ऑल्सो अ नाउन ठीक है हम उस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे आगे बढ़ते हैं अ ग्रीक फिग शोर फिग हिंदी में कहते हैं अंजीर को ये अंजीर एक ड्राई फ्रूट है मतलब एज अ ड्राई फ्रूट एज अ ड्राई फ्रूट हम इसको कंज्यूम करते हैं यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगाई है एज अ फ्रूट ये दिखने में ऐसा होता है ठीक है तो अगला वर्ड है हमारे पास सिक इस वर्ड के पीछे की एक कहानी है वो कहानी क्या है ग्रीक में अंजीर बेचने के लिए फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था जब भी वो मार्केट में अपने अंजीर बेचने आते थे मतलब वो मार्केट में आएंगे अपने अंजीर बेचेंगे और पैसे कमाएंगे और कुछ पैसे एज ए टैक्स पे करके जाएंगे अब जाहिर सी बात है वो पेमेंट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे लेकिन मार्केट में पुलिस इंफॉर्मर्स हुआ करते थे वो पुलिस ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया करते थे इन्हीं पुलिस इन्फॉर्मर्स को कहते हैं सिकोफेंट्स सिकोफेंट कम्स टू अस फ्रॉम द ग्रीक्स अकॉर्डिंग टू शिपलीस डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑरिजिन वेन अ फेलो वॉन्ट्स अ गुड

ऐसी हरकत करने वाले को कहते थे एप्पल शाइनर कुछ लोग ऐसी हरकत करने वाले को कहते हैं बूट लिकर और ग्रीक्स ग्रीक के रहने वाले लोग ऐसी हरकत जो चापलूसी वाली हरकत करने वाले लोग होते हैं उसके लिए उन्होंने नाम दिया है फिग शोर। ठीक है सिकोफेंट इज़ फ्रॉम ग्रीक सिकॉन मतलब फिग फिग मतलब अंजीर ये एक तरह का फल है एन टू शो

फिक डीलर हो गए फिक के व्यापारी डॉजिंग का मतलब हो गया डॉज का मतलब हो गया चकमा देना यहाँ पर आईएनजी फॉर्म एज अ वर्ब यूज हुआ है टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स तो दिस वाज द फेलो दिस मतलब ये सिकोफेंट सिकोफेंट वो फेलो है जो कि इन्फॉर्म करता है पुलिस ऑफिसर्स को जो कि ड्यूटी पर है कब जब वेन द फिक्स इन द सेक्रेट ग्रोस वे बिंग टेकन जब पेड़ों से अंजीर तोड़े जा रहे होते थे या फिर जो फिक डीलर्स हैं वो टैक्स बचाने के लिए चकमा देने की कोशिश कर रहे होते थे ठीक है लेटर करीज द फेवर ऑफ पुलिस officials बाई पीचिंग ऑन his फेलो क्रिमिनल्स ओके स्टूल pigeon इज अ पुलिस informer, जो पुलिस का इन्फॉर्मर होता है उसको कहते हैं स्टूल पिजन करीज द फेवर करी फेवर हम देख चुके हैं ये एक मुहावरा है इडियम है जिसका मतलब होता है कि अपना काम निकालने के लिए किसी की चापलूसी करना ओके पीचिंग पीचिंग का मतलब होता है इनफॉर्मिंग वैसे पीच एक वर्ब भी है सॉरी पीच एक नाउन भी है इट्स अ फ्रूट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है एज अ वर्ब पीच का मतलब होता है इनफॉर्म यहाँ पर आई एनजी वर्ब यूज हुआ है आई एनजी फॉर्म यूज हुआ है वर्ग का यहाँ मतलब है इसका इनफॉर्मिंग तो इस प्रकार सिकफेंट क्या करता है सिकोफेंट uh, एक तरह का पुलिस इंफॉर्मर है जो कि पुलिस ऑफिशियल्स की खुशामदी करता है चापलूसी करता है बाई इन्फॉर्मिंग ऑन हिज फेलो क्रिमिनल्स ठीक है सिकोफेंट्स में यूज दिस मीन्स ऑफ इन्ग्रेसिएटिंग देमसेल्व विथ इन्फ्लुएंशियल सिटीजन ऑफ द कम्युनिटी और दे मे यूज फ्लैटरी सर्वाइल अटेंशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ इन और एनी अदर फॉर्म ऑफ इनटू समवंस गुड ग्रेसेस ठीक है इनग्रेशिएट का मतलब होता है खुद को फेवर में लेकर के आना बाय प्लीजिंग देम यहां पर आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है ठीक है इन्फ्लुएंशियल सिटीजन वो सिटीजन्स होते हैं जो कि पावर में है फ्लैटरी फ्लैटरी का मतलब होता है insincere एडमायरेशन insincere मतलब छलावा सर्वाइल का मतलब होता है खुशामदी, insinuating, इंसिन्यूएटिंग themselves, इंसिन्यूएट verb का भी वही मतलब होता है जो ingratiate का मतलब होता है खुद को फेवर में लेकर के आना किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करके प्रशंसा करके चापलूसी करके ठीक है तो sycophants में यूज दिस मीन्स मतलब सिकोफेंस चापलूसी के इस तरीके को यूज करके किसी के गुड ग्रेस में लेकर के आते थे खुद को समवंस गुड ग्रेसेस ओके गुड ग्रेसेस का मतलब होता है किसी की अच्छी नज़र में समवंस गुड ओपिनियन खुद को अच्छी नज़र में उनकी लेकर के आते थे ठीक है अ सिकोफेंट प्रैक्टिस सिकोफेंसी सिकोफेंसी हो गया नाउन मीन्स चापलूसी एंड हैज अकफेंटिक एटीट्यूड ओके सिकफेंटिक हो गया उसका एडजेक्टिव ठीक है एज एन एडजेक्टिव इसकी डेफिनेशन हो गई कैटरिंग टू पीपल ऑफ पावर और पोजिशन ओके एक एडजेक्टिव क्या बताता है एक एडजेक्टिव किसी नाउन में किसी क्वालिटी का होना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स का होना किसी एट्रीब्यूट किसी प्रॉपर्टी का होना बताता है ठीक है तो कैटर तो हो गया वर्फ कैटरिंग यहाँ पर उसका आई फॉर्म यूज़ हुआ है इट्स अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ओके okay. तो कैटरिंग टू डैश कैटरिंग टू डैश भी तो किसी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए ओके okay. ये भी उसके किसी कर, उसके अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक का होना बता रहा है कैटरिंग टू ओके okay, और एक एडजेक्टिव भी किसी कैरेक्टरिस्टिक का होना बताता है किसी नाउन में ठीक है उसके साथ साथ एक एडजेक्टिव रिलेशनशिप भी बता सकता है जैसे अगर मैं कहूँ फ्रेंच फ्लैग तो यहां पर फ्रेंच एक एडजेक्टिव है ठीक है ये इस फ्लैग का फ्रांस के साथ रिलेशनशिप होना बता रहा है तो फ्रेंच की डेफिनेशन हो गई ऑफ ठीक है और जब एक एडजेक्टिव रिलेशनशिप को बताता है तो उस केस में उसकी डेफिनेशन होती है ऑफ डैश या फिर रिलेटिंग टू डैश या फिर परटेनिंग टू डैश ठीक है और जब वो किसी कैरेक्टरिस्टिक का होना बताता है उस केस में इसकी डेफिनेशन होती है फुल ऑफ डैश या फिर हैविंग जिस तरह से बता रहा होगा उस तरह से हैविंग डैश या फिर शोइंग डैश या फिर केपेबल ऑफ डैश या फिर वर्दी ऑफ डैश ठीक है ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ड आर हाईली अनकॉम्प्लीमेंट्री यूज देम विथ केयर ओके अनकॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इंसल्टिंग मूविंग ऑन मटेरियल मे बी सो डेलिकेट और फाइन इन टेक्स्चर दैट एनी थिंग बिहाइंड इट विल शो थ्रू द ग्रीक प्रीफिक्स डाया मीन्स थ्रू एंड फैन एन एज यू नो मीन्स टू शो हैं सच मटेरियल इज कॉल्ड डाया फेनस ओके डाया फेनस मीन्स पारदर्शक इट्स एन एडजेक्टिव ठीक है तो ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं या फिर आर पार लाइट ट्रैवल कर सकती है या फिर उसके आर पार दिख रहा होता है उस मटेरियल के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो है डाया ठीक है उस मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए एज अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड को यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे डाया ओके डो नॉट यूज़ द एडजेक्टिव इन रेफरेंस टू ऑल मटेरियल दैट इज़ ट्रांसपेरेंट अच्छा हाँ कंटेक्सट का ध्यान रखेंगे हम इसे सभी मटेरियल के लिए जो कि ट्रांसपेरेंट है यूज़ नहीं करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यू वुड नॉट कॉल ग्लास डायाफेनस फॉर एग्जाम्पल आप किसी ग्लास को डायाफेस नहीं कहेंगे इवेन दो यू कैन सी थ्रू इट बट ओनली मटेरियल सिर्फ उस मटेरियल को डायाफेनस कहेंगे दैट इज सिल्की गाजी फिल्मी एंड इन एडिशन ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंट ठीक है केवल उन मटेरियल्स को मोस्टली ये फीमेल गारमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं द वर्ड इज़ ऑफन अप्लाइड टू फीमेल गारमेंट्स नाइट गाउंडस नेगलीजीज एट्सेट्रा ठीक है सिल्की मतलब रेशमी गॉजी मीन्स पतला फिल्मी मतलब थिन एंड ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूट ट्रांसल्यूसेंट मीन्स सेमी ट्रांसपेरेंट ठीक है तो ऐसी मटेरियल जो कि रेशमी है थोड़े से पतले हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट है उसके साथ साथ इन एडिशन उसके साथ साथ वो ट्रांसपेरेंट है या फिर लगभग लगभग ट्रांसपेरेंट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे डाया फैनस ओके okay. और अब बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मी ओके okay. आपको मेरे चैनल पर वर्ड पावर मेडिज़ की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने वर्ड्स जिसमें मैंने वीडियोस को सिक्वेंशली अरेंज किया है फॉर इजी रेफरेंस इसमें दो वीडियोस हैं जो कि स्पेशल हैं सेशन ट्वेंटी वन जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी प्रिफिक्स जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं उसकी एक मेगा लिस्ट है साथ ही सेशन ट्वेंटी में सफिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ड फॉर्मेशन के लिए जिन सफेक्सेज का यूज़ होता है उसकी भी एक मैंने मेगा लिस्ट दी है तो मेक श्योर sure ये दोनों वीडियोस आप जरूर देखें शुरू के दस मिनट आप देख लीजिएगा इनके से अगर आपके पास एक एक घंटा नहीं है लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके द्वारा दिया गया एक एक मिनट का वर्थ मैं आपको दूंगा ठीक है तो इस वीडियो को इन इस सीरीज़ को एज़ अ कोर्स आप ट्रीट कर सकते हैं और मैं गारंटी देता हूँ इन अगर आप कोचिंग में पैसे दे भी कोई क्लास करेंगे तो इस लेवल की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नहीं मिलेगी और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ किसी एक पर्सन को जरूर शेयर कीजिएगा आपका कोई फेसबुक ग्रुप होगा प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू वन पर्सन ओनली और कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपकी फीड फीडबैक की वजह से ही मैंने ये हिंदी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट किया है क्योंकि आपके फ़ीडबैक से ही पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं तो मेक श्योर sure आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें योर फीडबैक इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ अप्रिशिएटेड तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया थैंक यू सो मच